जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज़ में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जहां पर वैष्णव धर्म की चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैव धर्म की चर्चा की थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PSC एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वैष्णव धर्म की। देखिए, वैष्णव धर्म नाम से पता चल रहा है भगवान विष्णु से संबंधित धर्म है। यहाँ पर दिया है विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देववृंद में इनका स्थान गौड़ था। देखिए, भगवान विष्णु का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिला है? ऋग्वेद में देखने के लिए मिला है। देववृंद में इनका स्थान गौड़ था। इस समय विष्णु सूर्य के एक रूप का ही प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, विष्णु भगवान किसका प्रतिनिधित्व करते थे? सूर्य के एक रूप का। ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम और गोपा कहा गया, तो ये उपनाम है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उरुगाय, उरुक्रम और गोपा किसे कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उनको यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया, तो यज्ञ का प्रतिरूप भी माना गया। किस ग्रंथ में? ये शतपथ ब्राह्मण में। संगम युग में विष्णु को तिरुमल और कल लौड़म नाम दिया गया। तो देखिए, संगम युग इस समय भगवान विष्णु को क्या नाम दिया गया? तिरुमल, है ना। तो भगवान तिरुमल अभी भी आप साउथ इंडिया में देख सकते हैं, है ना। और कल लौड़म ये भी इन्हें नाम दिया गया है। आगे है ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता होते थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। देखिए, प्रजापति भगवान है, रुद्र मतलब भगवान शिव। जब आपने शैव धर्म देखा था तो वहाँ पर आपने देखा था रुद्र इनके उग्र रूप को प्रदर्शित करता है, और भगवान विष्णु जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। विष्णु के को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि जो संसार के पालन करता है ये भगवान विष्णु है, जिन्हें कि हरि, नारायण इत्यादि नामों से जाना जाता है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। तो देखिये, पतंजलि इन्होंने क्या किया कि भगवान वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है, है ना। और ये पतंजलि ही नहीं, अगर आप विष्णु पुराण भी देखेंगे तो वहाँ पर भी भगवान वासुदेव को कृष्ण विष्णु का एक रूप बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। देखिए, जब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण इन सबको नारायण से जोड़ दिया गया, मतलब कि नारायण ही हैं, तो वैष्णव धर्म का को क्या पांचरात्र धर्म कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं और आगे। देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार। देखिए, शास्त्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु ने अब तक कुल 9 अवतार ले लिए हैं और 10वां अवतार उन्हें लेना है। और इनके जो 10 अवतार हैं, इन्हें दशावतार के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कई ऐसे मूवीज रिलीज हुए, कई ऐसे पिक्चर आए हैं जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार को दिखाए गए हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इसमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार है, इसे प्रजापति का अवतार माना जाता है। देखिए, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था मानव जाति को जल प्रलय से बचाने के लिए। जल प्रलय आने वाला था जिससे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण संसार का विनाश हो जाता, तो इन्होंने मत्स्य अवतार लिया और मानव जाति को बचाने का कार्य किया। आगे कुर्म, कुर्म का मतलब कच्छप अवतार, मतलब कछुआ का अवतार। यह भी प्रजापति का अवतार है। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कुर्म का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश किया था। देखिए, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से
अलग अलग प्रकार के बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य चीज़ें, अमृत और विष सब कुछ निकला था। तो देखिए उसमें जो जिस पर मंथन किया गया था, ऐसे भगवान विष्णु कछुआ के अवतार में नीचे थे और जहाँ पर इनका मंथन किया गया था। फिर आगे दिया गया वराह अवतार। वराह अवतार का नाम कौन नहीं जानते है ना। इसमें देखिए ये अवतार संबंधित है, एक राक्षस था, राक्षस का नाम था हिरण्याक्ष है ना। हिरण्याक्ष ने क्या किया था कि पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। समुद्र मतलब रसातल है ना, जो समुद्र कहते हैं वो रसातल में छिपा दिया था। तो उस समय क्या किया गया कि भगवान विष्णु ब्रह्मा के नाक से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी को बचाने का कार्य करते हैं। यही यहाँ पर दिया है, पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए यह अवतार लिया। दामोदरपुर अभिलेख में वराह को दो रूप है ना, कोकामुख स्वामी एवं श्वेत वराह स्वामी का उल्लेख हुआ है। विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण युग में है जो कि मथुरा से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा किस राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था, तो उसका नाम था हिरण्याक्ष है ना, हिरण्याक्ष था। और उसने कहाँ पर छिपाया था, तो ये रसातल में छिपाया था। ये बिंदु भी इम्पॉर्टेंट है, रसातल में छिपाया था उसने। और भगवान विष्णु जो वराह अवतार लेकर आए थे, ये ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए थे। तो तीन बिंदु आप और याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट नृसिंह अवतार। देखिए नृसिंह मतलब इन्हें नरसिंह अवतार का भी नाम दिया जाता है। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेते हैं। तैत्तिरी में इस अवतार का विवरण मिलता है। इस अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। तो मतलब इस अवतार में जितनी प्रतिमाएँ बनी हैं सब गुप्त काल में निर्मित हुई है। वामन अवतार, इस रूप को धारण करके विष्णु ने तीन पगों से सारी पृथ्वी नाप लिया था। देखिए राजा बलि, राजा बलि का नाम आपने सुना होगा। तो राजा बलि को मतलब ये पाताल लोक में भेजने के लिए क्या करते हैं कि वामन अवतार लेते हैं, एक बौने भिक्षु का रूप धारण करके आते हैं और राजा बलि से ये दान मांगते हैं। तो राजा बलि इनसे कहते हैं कि आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। तो ये सिर्फ तीन पग धरती का मांग करते हैं। तो राजा बलि इस पर तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पहले पग में क्या किया कि पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में इन्होंने पूरे मतलब स्वर्ग लोक को नाप लिया या फिर अंतरिक्ष को नाप लिया, और तीसरे पग में क्या जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पर आप पैर रखिए। तो राजा बलि के सिर पर ये पैर रखते हैं और उन्हें पाताल में भेज देते हैं और पाताल लोग उन्हें प्रदान कर देते हैं। परशुराम अवतार, अब भगवान परशुराम अवतार के बारे में कौन नहीं जानते है ना। अब सीता के स्वयंवर में परशुराम के उग्र रूप को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त परशुराम को चिरंजीवी का वरदान मिला है, तो कई जगह मतलब कई शास्त्रों में इनका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ये अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। राम अवतार, सिरपुर के मंदिर में राम मूर्ति के बगल में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति मिलती है। राम अवतार मतलब भगवान राम की बात की जा रही है। रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम मतलब प्रभु श्री हरि अर्थात विष्णु राम के अवतार में आते हैं। इसके बाद कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार के बारे में यहाँ पर दिया गया कि इनका संबंध बांसुरी वादक तमिल देवता मेयन, मेयन का नाम है सौवलिया से है ना। अब देखिए ये कृष्ण अवतार ये कंस के विनाश के लिए पृथ्वी पर आते हैं। आगे दिया बुद्ध अवतार, मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि बुद्ध अवतार ये मत्स्य पुराण के अनुसार है। कल्कि अवतार, जिन्हें कि कली अवतार कहा जाएगा, ये भविष्य में आने वाला अवतार है जो कि कली पुरुष के विनाश के लिए पृथ्वी पर आएंगे। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, बुराई और पाप की सीमा एकदम अंतिम हद तक बढ़ जाएगी, तो भगवान विष्णु कली पुरुष का विनाश करने के लिए कल्कि के रूप में आएंगे और जो सात चिरंजीवी हैं वो भी उनकी सहायता करेंगे। यहाँ पर दिया है यह विष्णु का भावी अवतार है। ऐसी मान्यता है कि वे सफ़ेद घोड़े पर हाथ में खड़क लिए पृथ्वी पर आएंगे। आगे यहाँ पर देखिए और भी चीज़ दिया गया, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए। देखिए जो शैव धर्म के संत थे उन्हें नयनार कहते थे, जिनकी संख्या 63 थी, आपने पीछे पढ़ा था। जो वैष्णव धर्म के संत हैं इन्हें अलवार कहते हैं, इनकी संख्या 12 बताई गई है। अब ये यहाँ पे इनका नाम दिया गया, गोई गई है ना, पूडम पे पेरियावलार तिरुमलाई है ना, ये पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना चुके थे। तिरुमंगई ये पहले डाकू थे, तो इनका भी नाम याद रखेगा, तिरुमंगई ये पहले डाकू थे। तिरुपाल है ना, लौंडार जिसे अड़ी पीढ़ी कहते हैं। कुलशेखर नम्मा लवार है ना, मधुर कवि। इसके बाद यहाँ पे 12वां नाम जो दिया, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम दिया है अंडाल, अंडाल या फिर कोदई। ये एकमात्र महिला अलवार है, मतलब विष्णु धर्म की एकमात्र महिला संत हैं। देखिए अंडाल को ना साउथ की मीरा की संज्ञा भी दी जाती है। अगर कभी ऐसे पूछ ले दक्षिण की मीरा या साउथ की मीरा है ना, तो ये नाम किसका, ये अंडाल का नाम है। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वैष्णव धर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी रही। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, भागवत धर्म को समझेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।